निजी टीवी से वाबस्ता एंकर पर्सन राय साकब खरल ने जाती नोयत के इल्जाम लगाने के बाद वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से माफी मांग ली है। हफ्ते के रोज मुबशीर लकमान के यूट्यूब चैनल पर राय साकब खरल ने दावा किया था कि हरीम शाह के पास फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान समेत मुतअद्दद वज़रा और सरकारी अफसरान की गैर अखलाकी वीडियोज मौजूद हैं। साकब खरल के मुताबिक उन्होंने फवाद चौधरी से मुतलक वीडियोज अपनी आंखों से देखी हैं। ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर फवाद चौधरी ने सख्त रद्देअमल दिया था। इतवार के रोज़ पीटीआई रहनुमा मोहसिन लगारी के साहबजादे की शादी में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुबशीर लकमान को थप्पड़ जड़ दिया था। पीर के रोज़ एंकर पर्सन राय साकब खरल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये एक गलतफहमी का नतीजा था और मैं इस बात पर बहुत यकीन रखता हूँ कि सहाफ़ी की गुफ्तगू के दौरान ख़ानदान और ज़ाती ज़िंदगी ज़ेर बहस नहीं आनी चाहिए। मैं तहे दिल से फवाद चौधरी साहब से और दूसरों से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पाक ट्यूब 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।